पूर्व वन मंडल छिंदवाड़ा रेंज में वन्य प्राणियों की मौत के बाद एक और चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर अधिकारियों की मौजूदगी में एक नाबालिग से हिरण की पोस्टमार्टम में मदद कैसे ली जा सकती है। हिरण के पोस्टमार्टम में बच्चे की मदद, अधिकारियों की मौजूदगी में बच्चे से ली मदद, दबंग न्यूज के कैमरे में कैद चौंका देने वाली तस्वीरें, जांच के बाद जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई। पूर्व वन मंडल के अधिकारी कर्मचारियों का एक गैर जिम्मेदाराना वीडियो सामने आया है। इसमें उमरिया इसरा ग्राम के एक नाबालिग बच्चे से पोस्टमार्टम में सहयोग लिया जा रहा है। क्या वन विभाग के पास पोस्टमार्टम करने वाली टीम नहीं है या फिर अधिकारियों को नाबालिग नजर नहीं आ रहा है? इस मामले में चौंका देने वाली बात यह है कि यह पोस्टमार्टम अधिकारियों की मौजूदगी में किया जा रहा है और नाबालिग भी उन्हीं की मौजूदगी में मदद कर रहा है। जब इस मामले में अधिकारियों से बात करना चाहिए तो सभी ने इस तरह की घटना होने से ही मना कर दिया। हमें 8-10 साल के नाबालिग से कोई सहयोग मेरे द्वारा नहीं मिला। एक वृद्ध जन जब कम से कम उनकी उम्र 50 से ऊपर की थी, किशोरी नाम है उनका, और एक लड़का और कौन था, वो 20-25 साल का था, लंबा लंबा। वो शासकीय वेटनरी विभाग से डॉक्टर हैं, उनको हम बुलाते हैं पोस्टमार्टम के लिए, पर उनके द्वारा कोई बच्चा लेके अगर बच्चे के सहयोग से किया गया इसकी मेरे को जानकारी नहीं है, और अगर इस तरह से किया जाता है तो हम इस बारे में जाँच करवाएंगे। अब देखना होगा कि इस मामले में जांच की बात तो कही जा रही है, लेकिन जांच कब और किस पर होती है यह देखने योग्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़ छिंदवाड़ा।